हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ DIY फेशियल एट होम। सारे इंग्रेडिएंट्स आपके घर पे मौजूद होगा, तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी फेस की हालत देख लो, काफ़ी ज़्यादा डल दिख रहा है, बहुत ज़्यादा ऑयल है मेरे फेस पे। बहुत दिन से मैंने फेशियल वगैरह तो नहीं किया है, स्किन केयर भी अच्छी तरीके से नहीं किया है, तो इस फेस को लेके तो हम नहीं रह सकते, तो इसलिए फेशियल स्टार्ट करते हैं। एंड चलो, फेशियल की जो फर्स्ट स्टेप है वो है क्लिनजिंग। तो क्लिनजिंग के लिए मैंने यहाँ पर रॉ मिल्क को यूज़ किया है। एक कॉटन बॉल की मदद से मैंने रॉ मिल्क को मेरे फेस में पहले अच्छे तरीके से रब करेंगे। इससे मेरी फेस की जो ऊपर लेयर की ऑयल है ना, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा एंड मेरी फेस काफ़ी क्लीन भी दिखेगा। 2 to 5 मिनट्स तक हम लोग अच्छे तरीके से स्किन को क्लीन कर लेंगे, देन ठंडा पानी से फेस को वॉश कर लेंगे। एंड वॉश करने के बाद मेरी फेस काफ़ी ज़्यादा क्लीन दिख रहा है, ऑयल जो है ना वो चला गया है, बट अच्छे तरीके से अभी तक क्लीन नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग फेस वॉश बनाएंगे। फेस वॉश बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है बेसन एंड थोड़ा सा टर्मरिक, एंड उसको पेस्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे रोज़ वाटर यूज़ किया है। आपके पास रोज़ वाटर नहीं है तो नॉर्मल वाटर भी यूज़ कर सकते हो। इसको अच्छी तरीके से एक पेस्ट बना लेंगे एंड देन हम लोग की फेस पे हम लोग अच्छी तरीके से अप्लाई करेंगे। फेस पैक को आपकी फेस के साथ साथ नेक पे भी अच्छे तरीके से अप्लाई करना है, क्योंकि नेक में भी काफ़ी ज़्यादा डर्ट रहता है एंड नेक एंड फेस काफ़ी ज़्यादा ओपन रहता है, इसलिए यहाँ पे सन टैन भी हो जाता है। देन मेरी फेस पैक को 5 to 10 मिनट्स रखना है, तब ये जब थोड़ा सा ऊपर से सूख जाए ना, देन आपको थोड़ा सा पानी लेके ऐसे स्क्रब करना है, इससे आपकी डेड सेल भी रिमूव हो जाएगा एंड उसके साथ साथ आपकी फेस काफ़ी अच्छी तरीके से क्लीन हो पाएगा। एंड ये पैक आपकी हेयर को भी थोड़ा बहुत रिमूव करता है, फेशियल हेयर को, एंड आपकी फेस काफ़ी ज़्यादा क्लीन दिख रहा है। देन मैंने अच्छी तरीके से फेस को वॉश कर लिया है, मेरी फेस जो है काफ़ी ज़्यादा क्लीन दिख रहा है, एकदम ऑयल फ्री दिख रहा है। बट नेक्स्ट स्टेप है स्क्रब करना, एंड स्क्रब के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया टोमेटो एंड उसके साथ साथ क्रश शुगर। ये बहुत ही अच्छी है स्किन स्क्रब के लिए, क्योंकि टोमेटो जो होता है ना स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। टोमेटो में है विटामिन ई, विटामिन सी एंड बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट, जो आपकी स्किन को ना काफ़ी हद तक ब्राइट करता है, आपकी स्किन से शान टैन को रिमूव करते हैं, आपकी स्किन में कोई भी एक्ने स्पॉट हो या आपकी कोई भी एज स्पॉट हो ना, उसको अच्छे तरीके से ये रिमूव करते हैं। रेगुलर यूज़ करना है ऑब्वियसली। देन मैंने ये स्क्रब को अच्छे तरीके से स्क्रब किया है एंड 5 to 10 मिनट्स रखने के बाद वॉश कर दिया है एंड मेरी स्किन पे काफ़ी अच्छी ग्लो भी प्रोवाइड किया है, क्लीन लग रही है, डेड स्किन सेल रिमूव हो गया है, तो मेरी स्किन सॉफ्ट सॉफ्ट दिख रही है। तो स्क्रबिंग की जो नेक्स्ट पार्ट होती है वो है मसाज करना। तो यहाँ पे मैंने एलोवेरा जेल यूज़ किया है, ये गुड वाइब्स की एलोवेरा जेल है। आपके पास कोई एलोवेरा जेल नहीं है तो आप एलोवेरा लीव्स भी यूज़ कर सकते हो, उससे भी आप अच्छे तरीके से मसाज कर सकते हो। तो थोड़ा ज़्यादा क्वान्टिटी में मैंने यहाँ पर एलोवेरा जेल को लिया है, अच्छे तरीके से फेस को मसाज करेंगे। फेस मसाज करने से क्या होता है ना, आपकी स्किन की ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, जिससे आपकी स्किन में ब्लड फ्लो होती है एंड आपकी स्किन काफ़ी ग्लोई दिखती है एंड आपकी स्किन में ना बहुत ही अच्छी एक क्या बोलते हैं ना, ब्राइटनेस आती है। इसलिए मसाजिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है फेशियल के लिए। फेस के साथ साथ आप नेक पर भी अच्छे तरीके से मसाज करो एंड थोड़ा सा टाइम लेके इस मसाज को कंप्लीट करो तो अच्छी रिजल्ट मिलेगा। एंड पूरी जो एलोवेरा जेल मैंने लिया है वो स्किन में एब्जॉर्ब होने के लिए टाइम दो, जितना देर तक ये मसाज करोगे करीबन आपको 10 to 15 मिनट्स तक मसाज करना है एंड मेरी फेस मसाज है ना कंप्लीट। मसाज करने के बाद मेरी जो फेस है काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइज दिख रही है, सॉफ्ट दिख रही है, सफ़ेद दिख रही है एंड उसके साथ साथ क्लियर दिख रही है। इसके बाद मैंने थोड़ा सा वेट करेंगे एंड देन मैंने यहाँ पे एक आइस क्यूब लिया है, आइस क्यूब के साथ मेरी फेस को अच्छी तरीके से रब करेंगे। इससे क्या होगा ना, मेरी स्किन में ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा एंड मेरी स्किन में ब्लड फ्लो बढ़ेगा एंड इस आइस क्यूब ना कोरियन स्किन केयर में बहुत ज़्यादा इंक्लूड होता है। ये ना बहुत ही अच्छे तरीके से स्किन को रिफ्रेश फील कराता है, कूल रखता है एंड उसके साथ साथ आपकी फेस में ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है तो ज़रूर से आइस क्यूब को आपकी स्किन केयर रिजिम में इंक्लूड करना। ये आपकी स्किन पोर को काफ़ी ज़्यादा मिनिमाइज करता है एंड अच्छे तरीके से ऑयल को कंट्रोल करता है। ऑयली स्किन हो तो आइस क्यूब आपकी स्किन केयर रिजिम में इंक्लूड करना, ये ऑयल को कंट्रोल करता है एंड आपकी स्किन को कूल फ्रेश फील कराता है। तो मैंने अच्छे तरीके से आइस क्यूब को अप्लाई कर लिया है। देन मैंने यहाँ पे एक फेस पैक को रेडी किया है एंड फेस पैक को रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है दही एंड जैनेलूट पाउडर, थोड़ा सा टर्मरिक एंड रोज़ वाटर। अच्छी तरीके से इसको पैक बना लिया है, थिक पैक
पेस्ट बनाना है, देन मेरी फेस एंड नेक पे अप्लाई कर लिए। ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा मेसी होने वाला है, बट ये जो पैक है ना आपकी स्किन में इंस्टेंट ग्लो प्रोवाइड करता है। दही जो होता है ना आपकी स्किन से टैन को रिमूव करता है, इंस्टेंटली आपकी स्किन को ग्लो प्रोवाइड करता है। एंड में हम लोग यूज़ किया है सैंडलवुड। सैंडलवुड आपकी स्किन से कोई स्पॉट को रिमूव करता है एंड उसके साथ साथ उसकी स्किन को बहुत ज़्यादा ब्राइट एंड उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा स्मूथ कर देता है, तो इसलिए सैंडलवुड बहुत ज़्यादा अच्छी है। देन मैंने थोड़ा बहुत वेट करेंगे, देन वॉश कर लेंगे। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मेसी था इसलिए मैंने नहा लिया है एंड नहाने के बाद मेरी ये जो स्किन है ना कुछ भी नहीं है मेरी स्किन पे, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट दिख रहा है, सफ़ेद दिख रहा है, एक नेचुरल सा ग्लो प्रोवाइड हुआ है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो फेशियल है ना वो वीक में आप लोग एक बार ट्राई करना। यहाँ पे स्किन केयर रेजिम को कंप्लीट किया है थोड़ा सा टोनर एंड मॉइस्चराइजर के साथ एंड मेरी जो आज की फेशियल है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। एंड ये फेशियल काफ़ी अच्छी है, तो आप लोग ज़रूर से आपके घर में ट्राई करना है, मेरे को बताना कैसा लगा इसका रिजल्ट। तो चलो आज के लिए इतना तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। मेरी वीडियो अच्छी लगती है ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर देना है। चलो मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए, टिल देन बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, लव यू ऑल, लव यू।